कभी ताश का गेम खेला है बच्चों? जिसके पास हुकुम का इक्का, जीत उसकी पक्की है। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपको 100 out of 100 स्कोर कराएगा यदि आप मटेरियल स्टॉक लेवल का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर CA लेवल, CS लेवल और ऑल्सो बीकॉम BBA लेवल के लिए भी। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं हमारी तीसरी प्रॉब्लम का। इससे पहले मैं दो प्रॉब्लम्स आपको करवा चुकी हूँ, एक सिंपल और एक थोड़ी टफ है, लेकिन आज हम एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। और इसमें क्या कह रहे हैं, एक कंपनी 3 तरह के रॉ मटेरियल यूज़ करती है, ए, बी और सी। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। देखिए, रॉ मटेरियल है, उसका यूजेस गिवन है, यानी एक प्रोडक्ट का यूजेस कितना है। जब भी एक यूनिट बनाई जाती है पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की, जो कि ए, बी और सी से मिलकर बनता है, तो उस एक यूनिट को बनाने में ए का 10 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, बी का 4 किलोग्राम मटेरियल चाहिए और सी का 6 किलोग्राम मटेरियल चाहिए। इसी तरह से इनकी रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है, ROQ 10,000, 5,000 और 10,000। बिल पर केजी, 1 केजी का इनका जो रेट है वो 10 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ है। रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड आपको इजीली गिवन है, 1 to 3 वीक्स, 3 to 5 वीक्स एंड 2 to 4 वीक्स। रीऑर्डर लेवल की बात करें तो ए का रीऑर्डर लेवल गिवन है और बी का भी रीऑर्डर लेवल गिवन है। और मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करें तो सी का हमें मिनिमम स्टॉक लेवल 2,000 गिवन है। तो देखिए, अब हमसे चाहा क्या गया है, क्या चीज़ मांग रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है वीकली प्रोडक्शन कुछ इस तरह का है, 1 हफ्ते की इन्फॉर्मेशन। देखिए गाइस, अगेन मैच हो रहा है वीकली और यहाँ पर भी वीकली। तो ओके, हमें किसी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वीकली प्रोडक्शन जो आपको गिवन है, एक प्रोडक्ट का जो होता है वो वीकली प्रोडक्शन होता है 175 यूनिट से 225 यूनिट्स, और एवरेज इसका 200। यस ऑफ कोर्स, इन दोनों का एवरेज भी 200 ही बैठता है। आपसे ये पूछा है कि मिनिमम स्टॉक क्या है ए का, मैक्सिमम स्टॉक बी का और रीऑर्डर लेवल सी का और एवरेज लेवल ए का। ये सारी बातें आपसे पूछी गई है। तो देखिए, उससे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर चाहिए, हम उसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए, जो चारों रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो वैल्यूज़ को, उनको मैंने यहाँ लिख दिया है उनके फॉर्मूले के साथ, ताकि हम अपने समय को बचा सकें। और आई होप अब आपको फॉर्मूले भी याद होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें पूछा है वो है मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। ए के मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए हमें चाहिए ए का रीऑर्डर लेवल, साथ ही एवरेज कंजप्शन कितना है। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, हमारा रीऑर्डर लेवल जो ए का है वो 8,000 किलोग्राम का है। ओके फाइन, साथ में हमें चाहिए एवरेज कंजप्शन। तो एवरेज कंजप्शन कैसे मिलेगा, देखिए यहां पर आपका कंजप्शन दिया हुआ है, वीकली हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 175 to 225 है और एवरेज हमारा 200 यूनिट्स का कंजप्शन होता है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि यदि एक यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें ए, बी और सी तीनों ही मिक्स किए जाते हैं। तो देखिए, हमें तो केवल ए की ही बात करनी है, तो ए के हिसाब से एवरेज तो 200 यूनिट के हिसाब से इस 200 यूनिट को बनाने में ए का 10 किलोग्राम मटेरियल लगा होगा। यानी यहाँ पर जो एवरेज कंजप्शन यहाँ पर जो ए का होगा वो 200 यूनिट्स, यानी 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 किलोग्राम्स, यानी यहाँ पर 2,000 किलोग्राम्स लगा होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो देखिए, इन्हीं एवरेज कंजप्शन को, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में ए का 10 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, तो ऐसी स्थिति में 200 यूनिट को बनाने में ए का 2,000 किलोग्राम मटेरियल चाहिए होगा एवरेजली। तो देखते हैं, साथ में हमें चाहिए एवरेज रीऑर्डर पीरियड। देखिए, एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ए के लिए तो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, तो यहाँ पर एवरेज हो जाएगा 2 हफ्तों का। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं
और देखिए रीऑर्डर लेवल हमें पता है जो कि हमने देखा है 8000 यूनिट्स का डायरेक्टली गिवन है। एवरेज कंजप्शन हमने कैलकुलेट करके देखा वो 2000 यूनिट्स का 2000 किलोग्राम्स का आ रहा है और एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो आ रहा है वो कि 2 हफ्ते का है। तो गाइज यहाँ पर जो मिनिमम स्टॉक लेवल बनने वाला है वो 8000 माइनस 4000 यानी यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा आंसर 4000 किलोग्राम आ रहा है। यस स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर सही हैं। अगला जो हम लेते हैं वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी। अब बी के लिए बात करिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बी का फॉर्मूला आपके सामने है, हमें चाहिए रीऑर्डर लेवल बी के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी और फिर मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में वैल्यू कैसे हैं। तो गाइज यहाँ देखिए हमें बी का चाहिए रीऑर्डर लेवल, ये रहा हमारा बी, और बी का हमारा रीऑर्डर लेवल ये रहा 4750। साथ ही में रीऑर्डर क्वांटिटी भी गिवन है, देखिए यहाँ पर 5000। नाउ मिनिमम कंजप्शन, एज आई सेड इस प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में ए प्लस बी प्लस सी तीनों चाहिए, और यहाँ पर जो मिनिमम कंजप्शन है 175 यूनिट्स का, इस 175 यूनिट्स को बनाने के लिए बी की 4 किलोग्राम का मटेरियल लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि मुझे मिनिमम कंजप्शन बी का निकालना है तो बी का मिनिमम कंजप्शन होगा 175 यूनिट्स मिनिमम हमें बनानी है और एक यूनिट को बनाने में 4 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए, तो आई थिंक दैट इज 700 यूनिट्स, तो 700 किलोग्राम्स का मटेरियल यहाँ पर हमें चाहिए। तो इस तरह से बी का जो मिनिमम कंजप्शन है वो 700 किलोग्राम्स का है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देख लीजिए, रीऑर्डर पीरियड बी का ये रहा बी का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 हफ्तों का है। तो गाइज इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में फिट करते हैं, देखते हैं, और फिट करने के समय रीऑर्डर लेवल हमारा है 4750 का, रीऑर्डर क्वांटिटी है हमारी 5000 यूनिट्स की, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, कोई टेंशन नहीं है। मिनिमम कंजप्शन हमने कैलकुलेट करके देखा है वो 700 है, कैसे आया 700, 175 × 4, और फाइनली हमारा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 ये हमें गिवन हो गया है। तो फाइनली हमें 9750 − 2100, क्या हमारा आंसर 7650 आ रहा है, 7650 किलोग्राम्स का। यस तो हम मैच कर गए, गुड गाइस। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। सी के रीऑर्डर लेवल सिंपल सा फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजप्शन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, देखिए हमारा डेटा क्या कहता है। सी के रीऑर्डर लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन 220 यूनिट्स का है, लेकिन डायरेक्टली इसे लिखना गलत होगा, ये 220 यूनिट्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमें ए बी और सी भी चाहिए, तो सी के लिए हमें यहाँ पर 225 यूनिट्स और साथ में सी का 6 किलोग्राम मटेरियल मिक्स होता है, तो यानी सी का जो मैक्सिमम कंजप्शन होगा, कैलकुलेटर पे अपनी उंगलियां दौड़ाइए और क्या वो 1350 किलोग्राम आ रहा है। यस मैम बिल्कुल 1350 किलोग्राम। तो फाइनली मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें चाहिए, तो ये रहा रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 4। तो डेटा को फिल करते हैं हमारे फॉर्मूले में, मैक्सिमम कंजप्शन हमने निकाला 1350 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 4, तो यहाँ पर तो बड़ी आसानी से हमें आंसर मिल गया है और वो है 5400 किलोग्राम्स का। तो ये हमारा आंसर पूरा हुआ और फाइनली अब फोर्थ पर चलते हैं, एवरेज। अरे ये तो बहुत आसान है, एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 ए का। देखते हैं हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं, हमारे पास वैल्यू नहीं है, प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल ए का यस 4000 किलोग्राम है, बिल्कुल है, डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अब हमें इस पर काम करना होगा स्टूडेंट्स, यही तो यहाँ का झोल है। तो चलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, और देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए वर्किंग नोट तैयार रखा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए कैलकुलेट करना ही होगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करेंगे इसमें मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ए का 8000 गिवन है, 10000 भी गिवन है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मिनिमम कंजप्शन जो कि 175 यूनिट्स का था और ए का
एक यूनिट बनाने में 10 किलोग्राम्स का मटेरियल चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लिया एज यूजुअल, जो हम पहले के फॉर्मूलेज में भी कर रहे हैं। तो 175 मल्टीप्लाई बाय 10, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारी इन्फॉर्मेशन में गिवन है 1 से 3 हफ्ते का, तो यहाँ पर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 1 हफ्ते का मानते हुए, अब यहाँ पर 18,000 माइनस 1,750, फाइनली हमें जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल रहा है वो है 16,250। इसे हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले में, जो कि कुछ इस तरह से है, 16,250 प्लस 4,000 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय, हमने कैलकुलेट कर लिया है सब चीज़ें, और अब चीज़ें बहुत आसान हो गई, और हमारा कैलकुलेटर क्या हमें आंसर 10125 बता रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। तो ये चारों ही आंसर हमें मिल चुके हैं, और इन चारों ही आंसर्स के साथ आपका स्कोर हुआ है 100 out of 100। गुड गाइज, गुड गोइंग। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ, और फाइनली हमारे चैनल अकाउंटिंग अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।